प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरी ओर से एक बार जय मसीह की। दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा को अभी जो दिन हम जिस समय में हम चल रहे हैं दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ और अपने प्रेम को मेरे और आपके लिए प्रकट किया दोस्तों, कि वो हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। आज प्रभु यीशु मसीह जो 40 दिन उपवास रहा, भूखे और प्यासे रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने आप को उस सूली पर बलिदान कर दिया। आज मैं और आप मसीही भाई बहन आज उस 40 दिन उपवास रहकर हम उसे स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास रहे और लास्ट में जब उस सफ़र ख़त्म हुआ, मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं दोस्तों? क्या हम हर वर्ष केवल प्रभु यीशु मसीह को इस समय में ही याद करते हैं? क्या हमारा साल में एक बार याद करना और साल भर दूर रहना, क्या ये मेरे और आपके जीवन के लिए उचित है दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया दोस्तों? आज मैं और आप मसीही घर में जन्म ले चुके हैं, हमारे जीवन में एक नेम प्लेट लगा है कि हम मसीही हैं, लेकिन क्या मेरे और आपके जीवन में कहीं पर भी मसीहत झलकती है दोस्तों? परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? आज प्रियो आप देखिए, परमेश्वर की उस क्रूस की पीड़ा तक जाते तक परमेश्वर के उसके प्रेम को जो मेरे और आपके लिए दिखाई देता है दोस्तों, आप विचार करिए कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। आज दुनिया के लोग हमसे प्रेम करते हैं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, और छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उस क्रूस की पीड़ा को सह गया दोस्तों। आगे का वचन बताता है मेरे प्रियो, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर एकलौता पुत्र था दोस्तों। परमेश्वर अपने पुत्र को बचा सकता था उस पीड़ा से, उस क्रूस की भयंकर पीड़ा से, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को सारी दुनिया के लोगों के लिए बलिदान कर दिया दोस्तों। ये है उसका प्रेम जो मेरे और आपके जीवन में आज हम उसे केवल एक बार स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत दुखी होते हैं कि हमें 40 दिन तक उपवास रहना है, प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उपवास तो रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम भोजन को तो छोड़ देते हैं कि हम उपवास हैं, लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि हमारे भोजन को त्यागने से प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं होता? हमारे जीवन में जो बुराई है दोस्तों, आइए हम उसे अपने जीवन से दूर करें, उसका त्याग करें, नहीं तो मेरा और आपका उपवास रहना व्यर्थ ठहरेगा। आगे का वचन बताता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया और उस क्रूस की पीड़ा को सहा। ना जाने उस पर कितनी तकलीफ़ों को उसने सहा दोस्तों,
सर पर कांटों का ताज रखा गया, उस पर थूका गया, उसे मारा गया, कुचला गया, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्या हम प्रभु की उस पीड़ा को साल में एक बार याद करें? दोस्तों, आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को हमेशा याद करें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। हमारे जीवन में जो बुराई है मेरे प्रियो, उसे निकालने की कोशिश करें। आगे का वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, ये सचमुच बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देगा। यदि हम मनुष्यों पर विश्वास करते रहेंगे, अपने दौलत पर विश्वास करते रहेंगे, शोहरत की खोज करते रहेंगे, तो हम उस अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है उससे वंचित रह जाएंगे। मेरे प्रिय, तो आइए हम इस वर्ष जब हम गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, ईस्टर मनाने जा रहे हैं, तो आइए हम अपने जीवन को झांके और देखें, क्या मैं सचमुच परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ या चल रही हूँ? क्या परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में दिखाई देता है? यदि मैं लोगों के बीच में, अपने परिवार में, यदि कहीं भी जाऊँ, तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम क्या मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के द्वारा झलकता है? क्या मेरे मन में दूसरों के प्रति प्रेम है? परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को किसी एक के लिए नहीं दिया, उसने सारी दुनिया के लोगों के लिए दिया। मेरे प्रियो, आज हम और आप केवल अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने सारे दुनिया के लोगों से प्रेम किया। दोस्तों, आइए हम इस पर्व को जब हम मनाने जा रहे हैं दोस्तों, अपने जीवन को झांके और परमेश्वर की उस क्रूस की पीड़ा को याद करें और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर सचमुच हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है और उसका प्रेम उस क्रूस की पीड़ा पर दिखाई देती है। आज कोई भी अपने इकलौते पुत्र को त्यागना नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन आज यहोवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा। हमारे पापों के बदले उसने इस पीड़ा को सहा। आइए हम उस पीड़ा को, उस दुख को यदि हम याद करते हैं, तो उसे याद करना ही नहीं है, उस प्रेम को अपने जीवन में भी स्वीकार करें। मेरे और आपके स्वभाव में और जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम झलकना चाहिए और जिस दिन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देगा, आप दूसरों से नफरत नहीं, बैर नहीं, लेकिन प्रेम करने लगेंगे। दोस्तों, आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत और बहुत प्रेम करता है। वो जिस भी गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, वो जिस भी गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, वो जिस भी गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी जो मेरे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी, क्या खता थी जो मेरे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी, ठोक दी उसकी हाथों में कीले, फिर भी सोने उसको दुआ दी, ठोक दी उनके हाथों में कीले, फिर भी सोने उनको दुआ।
बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो ले जा रहा है। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। आमीन।